इस वीडियो में हम एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं। यह पौधा जाम का है, जिसे अमरूद या गावा कहते हैं। इस पौधे के ऊपर में देखिए, हम सबसे पहले 1 इंच या 2 इंच का 2 रिंग बनाएंगे और बीच में वर्टिकल कट करके हमें छाल को निकाल देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हम निकालने वाले हैं। छाल सभी बाजू से हम निकालेंगे। देखिए, धीरे धीरे आपको यहाँ निकालना है और सभी बाजू से छाल निकलने के बाद में आपको हल्का हल्का चक्कू से स्क्रैच करना है थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा बहुत जो छाल का पोर्शन बचा रहता है उसे भी हम पूरी तरीके से निकाल देते हैं, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है आपको। इस तरीके से आपको स्क्रैच करना है थोड़ा सा हल्का हल्का। देखिए, सभी बाजू से आपको निकाल देना है। और आज जो हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं जाम के ऊपर में, अमरूद के ऊपर में, तो इसमें हम रूटिंग हार्मोन जो पाउडर रहता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि यह कितना बेनिफिट करता है या नहीं करता। जो रूटिंग हार्मोन है वह आपने लकड़ी की सहायता से लगा देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप अगर डायरेक्ट उंगली से लगाएंगे तो यह आपकी उंगली के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल रहता है। इसलिए किसी लकड़ी की सहायता से आपको लगा देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने कट किया था वो वाले पोर्शन पर हम अच्छी तरीके से यहाँ थोड़ा रूटिंग पाउडर है इसे लगा दे रहे हैं। विदाउट रूटिंग हार्मोन में भी छाल में से रूट्स निकलती है। इसके पहले भी हमने पुराने वीडियो अपलोड किए जिसमें विदाउट रूटिंग हार्मोन में हमने रूट्स डेवलप हुई है, वहाँ हमने दिखाए हैं। आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कोकोपीट, जो कोको नारियल के बूचे का जो पाउडर रहता है, कोकोपीट ब्रिक्स रहती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो लकड़ी काटने के बाद में जो भूसा निकलता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, हमने ऑलरेडी मिट्टी गीली कर रखी थी। और यहाँ पॉलीथीन आपको रेक्टेंगुलर शेप वाली ऐसी बनानी है, कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरी तरीके से यहाँ मिट्टी चिपक जाए तो हम इसे अच्छे तरीके से, देखिए, चिपका रहे हैं। और रस्सी का इस्तेमाल करना है ताकि इसमें टाइटनेस आए। यहाँ जब पॉलीथीन आप चॉकलेट की तरह आपको यहाँ लपेटना है। अब हम रस्सी की सहायता से इसे बांध देंगे अच्छे तरीके से।
बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है एयर लेयरिंग करने के लिए। देखिए अभी हमने अच्छी तरीके से इसे बांध दिया है और आपको समय समय पे पानी डालने के लिए यहाँ एयर लेयरिंग जो गुटी है इसके ऊपर में आपको छेद कर देना है और आपको पानी डालते रहना है 10 दिन के बाद में। हर 10 दिन के बाद में आप पानी डालते रहिए। 2 से 3 महीने लग जाते हैं नए रूट्स निकलने के लिए। यहाँ हर टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ वैरी करेगा कि किसी एरिया में जल्दी रूट्स भी डेवलप हो सकती है और कुछ एरिया में यहाँ लेट भी हो जाती है रूट्स डेवलपमेंट। तो अब हम रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं आपको। विदाउट रूटिंग हार्मोन ही ठीक रहता है क्योंकि हमने रूटिंग हार्मोन में भी इस्तेमाल करके देखा तो उतनी ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं हो पाई जितनी विदाउट रूटिंग हार्मोन में ही हमने नॉर्मली मिट्टी लगा दी थी और उसमें जो रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती है वैसी रूटिंग हार्मोन में नहीं दिखा। तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं नेचुरल रूटिंग हार्मोन के तौर पे, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आपको ब्रांचेस दिख रही है इन डगालियों को आपको नई जो शाखा आप जितनी भी शाखाएं दिख रही है इन्हें आपको कट कर देना है और जितने भी पत्ते हैं इन्हें भी आपको तोड़ देना है और पौधे को आपको मिट्टी में लगा देने के बाद में आपको छांव में रखना है। और इनकी रूट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से यह पौधे तूफान आने पर गिर सकते हैं क्योंकि बीच से पौधा तैयार जो होता है उसकी रूट सिस्टम ज़्यादा अंदर तक डीप रहती है। और इसमें जैसे आपने यहाँ मैच्योर्ड पौधे की कटिंग लाई होंगी तो इस पर फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी लग जाएंगी सीजन के हिसाब से। और आप घर पर गमले में इन पौधों को लगा सकते हैं। कमर्शियल तौर पर इन पौधों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इनकी रूट सिस्टम ज़्यादा डीप ना होने की वजह से यहाँ तूफान से गिर सकते हैं, इसलिए ग्राफ्टेड प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। और जाम के ऊपर गावा के ऊपर आपको किस तरह से ग्राफ्टिंग करना है इसकी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं और रिजल्ट वीडियोस भी डाले हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने पूरे पत्ते तोड़ दिए हैं, इसे अब हम मिट्टी में लगा देंगे।